अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है खीमे के कोफ्ते, जिसे कबाब भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई हूँ, एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कोफ्ते बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है आधा किलो खीमा, और टोस्ट मैंने बारीक पीस के लिए हुई हूँ। टोस्ट यानी हम जो चाय के साथ खाते हैं वही। 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन का आटा इसमें मिक्स कर लिया है, 1 कप के हिसाब से भी आप ले सकते हो। हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और मिर्ची पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। आप आपके तीखे के हिसाब से ले लीजिए, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम करना है तो कम। मैंने हमारे हिसाब से डाल दिया है। नमक स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। और फ्रेश पुदीना मैंने लिया है, उसे कट कर दिया है अच्छे से, बारीक से डाल दीजिए। हम एक अंडा फोड़ कर डाल देंगे। आप अंडे को चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है, बट डाल दिया तो और भी बढ़िया हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 चम्मच डाल दिया है। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से खीमे में मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों को अच्छे से खीमे को ऊपर नीचे करते हुए सभी मसालों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से, ताकि हमारे मसाला कोफ्ते में एकदम सभी तरफ से बराबर हो जाए, मिक्स हो जाए। हमने सब मिक्स कर लिया है, अब कोफ्ते बना लेते हैं। छोटा छोटा पेड़ा रेडी करते हुए, हाथों को प्रेस करते हुए, उंगलियों के इस्तेमाल से हम इसे बना लेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ में रखना है, ताकि तेल में हमारा खीमा पक जाएगा तो बहुत ही छोटा छोटा हो जाएंगे कोफ्ते। इसलिए मीडियम साइज़ में बनाओगे तो उसके साइज़ बराबर और अच्छा दिखेगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई एकदम अच्छे से। तेल को पहले हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, बाद में डालने के टाइम पे उसे थोड़ा मीडियम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से पलटी उल्टी करते हुए कलर चेंज होने दीजिए। ज़्यादा हाई पे मत करिए, ताकि हमारे कोफ्ते जले ना, एक तरफ से लाल ना हो, और दोनों तरफ का कलर सेम आना चाहिए, गोल्डन कलर जैसा आना चाहिए, हमें इसे काला नहीं करना है। देखिए कैसा कलर आया है मेरा, एकदम रेड गोल्डन दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह रेसिपी है। नींबू प्याज और पुदीने की चटनी के साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है। कोफ्ते की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए कोफ्ते।